जी अस्सलाम वालेकुम आज हम अपने इस लेसन में इंग्लिश कोड 505 का लेसन 33 थ्री पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डिस्कोर्स एनालिसिस पार्ट थ्री तो हम पहले दो लेसन डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में कर चुके हैं तो अभी डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में फ़र्दर पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन कन्वर्सेशन एज डिस्कोर्स एनालिसिस बट इज़ कन्वर्सेशन इट इज़ लेस फॉर्मल टॉक फॉर्मल टॉक लेस फॉर्मल टॉक होती है जो कन्वर्सेशन होती है डिस्कोर्स एनालिसिस कैन आयदर वेग्यू और एनी काइंड ऑफ टॉक्स एज पर डिस्कोर्स एनालिस डेफिनेशन ऑफ कन्वर्सेशन टॉक में भी डिफाइंड एज कन्वर्सेशन वैन अब कन्वर्स किसी भी जो आपकी टॉक है उसको कन्वर्सेशन कब कहा जाता है इट इज़ नॉट प्राइमेली नेसेसिएटेड बाई अ प्रैक्टिकल टास्क इसमें कोई प्रैक्टिकल टास्क जरूरी नहीं है एनी अनईक्वल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज पार्शली सस्पेंडेड अन एकवल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें मतलब होते हैं जरूरी नहीं है कि आ, वो जिसे कहते हैं कि एक बॉर्डर एक बॉस ही अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा हूँ ठीक है तो अनिकवल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ पार्सली सस्पेंडेड तो मोस्टली कोई ऐसा होता है कि आपकी पावर अन एकक्वल होती है ठीक है आप कोलीग्स बात कर होते हैं या कभी ये भी होता है कि कोई सुपीरियर किसी जूनियर से भी बात कर रहा होता है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज स्मॉल इसमें थोड़े लोग आपस में बात करते हैं टर्न्स आर क्वाइट शॉर्ट पहले ने ऐसा नहीं है कि एक बंदा दस मिनट के लिए बोले और फिर अगला बंदा दस मिनट बोलेगा शॉर्ट टर्म्स में थोड़ी सी बात की फिर आगे ने जिस तरह के हाय आगे ने हेलो आर यू आई एम फाइन एंड बर्ड अबाउट यू इस तरह के टर्न टेकिंग होती हैं टॉक इज़ प्राइमेरी फॉर द पार्टिसिपेंट्स एंड नॉट फॉर एन आउटसाइड ऑडियंस जो पार्टिसिपेंट कर रहे होते हैं ये सारी बातें उनके आपस में होती हैं बाहर के लोगों के लिए नहीं होती इम्प्रिसाइज इम्प्रिसाइज डेफिनेशन एंड द बाउंड्री बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर डिस्कोसाइज इज़ फर्जी वी कैन नॉट प्रिस ड्रॉ अ लाइन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाक देर आर सर्टेन intermediate possibilities and in between formal discourse spoken discourse and informal conversation that is a seminar ठीक है जी वो कहते हैं कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल टॉक के दरम्यान में कोई कोई स्पेसिफिक लाइन ड्रा नहीं कर सकते बिकॉज़ ये दोनों आपस में कुछ ऐसा भी कोई इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं फॉर एग्जांपल उसने सेमिनार की बात की कि लोग आपस में भी बात करते हैं और लोग uh, जो पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं और आपस में भी बात कर रहे होते हैं और एक फॉर्मल डिस्कशन भी उनकी हो रही थी टॉक एट अ कन्वर्सेशन एंड ऑफ अ क्लाइंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मोर टू एनी ओवरऑल स्ट्रक्चर अ पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्सेशन माइट इट्स अनप्रडिक्टिबली एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा कन्वर्सेशन एनालिसिस की हम बात करते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच सेट्स आउट टू डिस्कवर वट ऑर्डर देअर माइट बी इन दिस अपरेंट क्या कन्वर्सेशन एनालिसिस में हम जिस वक्त बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मतलब हमें बात जो हमें टेक्स दी जा रही है कि उसके अंदर क्या एक्चुअली उसमें है क्या हमें कहा क्या गया हमने डिस्कवर दिस, क्या करना है कन्वर्सेशन एनालिसिस एसोसिएटेड विद एथनो मैथडोलोजिस्ट पीपल हु लुक्स फॉर मेथड वेन पीपल एंटर अ डिसकशन इन मेक सेंस ऑफ इट दे हैव ट्राई टू डिस्कवर वट मैथड्स पीपल यूज टू पार्टिसिपेस इन एंड मेक सेंस ऑफ इंट्रैक्शन कन्वर्सेशन को जिस वक्त हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि किस मैथड से किस तरीके से लोगों ने बात की कैसे बात की स्टार्ट कैसे लिया एंड कैसे किया दरम्यान में एक दूसरे को टर्न टेकिंग कैसे की दैन दे दीज आल थिंग्स कम इन अ कन्वर्सेशन एनालिसिस ए कन्वर्सन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ टर्न टेकिंग द एथनो मेथोडोलॉजिज ट्राई टू सी हाउ पीपल हैंडल अ कन्वर्सेशन एट अ लोकल लेवल जब वो लोकल लेवल पर होते हैं तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ डील करते हैं हाउ दे जज वेंट टू स्पीक एंड वेंट टू बी साइलेंट किस तरह से दो लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें कैसे पता चलता है कि किसको किस वक्त खामोश होना है दूसरे को सुनना है ठीक है जी दे फर्दर स्टार्ट टू एनालाइज विद बॉटम ऑफ अप्रोच फिर बॉटम अप्रोच से उन्होंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया स्टडी फ्राम वर्ड्स टू सेंटेंस मतलब वर्ड्स एंड सेंटेंस की तरफ स्टडी किया दे ट्राई टू understand how it unfolds in times they view discourse as a developing process rather than a finished प्रोडक्ट हैविंग प्लान बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग उन्होंने इसको मतलब एक वो कन्वर्सेशन के तौर पर ही लिया ना कि उन्होंने एक फॉर्मल किस्म की वो एक डिस्कशन के तौर पर नहीं लिया कि जिसको पहले से प्लान किया गया फिर उस प्लान के मुताबिक स्टार्ट किया मिडल किया एंड किया ठीक है जी तो उन्होंने इसको क्या किया व्यू डिस्कोर्स एज अ डेवलपिंग प्रोसेस के तौर पे उन्होंने इसको लिया टर्न टेकिंग की जब हम बात करते हैं रेड नि की बार बार बता चुके हैं कि एक शख्स बोलता है तो दूसरा उसको सुनता है कन्वर्सेशन इन्वॉल्व टर्न टेकिंग इन कन्वर्सेशन टर्न टेकिंग इज अ टर्म फॉर द मैनर इन विच ऑर्डरली कन्वर्सेशन नॉर्मली टर्न टेक्स प्लेस वंस अ टॉपिक इज चूजन एंड अ कन्वर्सेशन इनिशिएटेड दैन मैटर ऑफ कन्वर्सेशन टर्न टेकिंग अराइज़ नोइंग वैन इट इज़ एक्सेप्टेबल और अब्लिगेटरी टू टेक अ टर्न इन कन्वर्सेशन इज़ असेंशियल टू द कॉपरेटिव डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्कोर्स दिस नॉलेज इन्वॉल्व सच फैक्टर्स एज नोइंग हाउ टू रिकिग्नाइज अप्रोप्रिएट टर्न एक्सचेंज पॉइंट्स एंड नोइंग हाउ लॉन्ग द पॉज बिटवीन टर्न शुड भी ठीक है जी टर्न टेकिंग की बात करते हैं कि जिस वक्त दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझना और एक्सेप्ट करना किसी कन्वर्सेशन के अंदर के कब बोलना है और किस वक़्त खामोश होना है कितनी देर के लिए पास देना है ठीक है तो ये कन्वर्सेशन के लिए इन्वाल्स टर्न टेकिंग की उसने एक बात की ओवरलेप ऑफ टर्न टेकिंग स्पीकर अवेयर नो एग्जैक्टली वैन एंड वेयर टू एंटर सिग्नल ऑफ़ टर्न एंडिंग जब आप अपने बात खत्म की उसका यह सिग्नल भी एक होता है कि मतलब आप खामोश हो जाते हैं या आप अपनी आवाज़ को उस वक्त बिल्कुल ड्रॉप कर देते हैं बिल्कुल ड्रॉप कर लेते हैं ओवरलैप्स हैव सिग्निफिकेंस signaling annoyance urgency or a desire to correct what is said pause between turns also have very particular meanings tgd conversation analyst analysis tries to describe how people make turns and under what circumstances the turns overlap टर्न टेकिंग मैके ओवरलैप का मतलब है कि एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरे बंदे ने उसके ऊपर ही बोलना शुरू कर दिया द टर्न टेकिंग मैकेनिज्म वेरी बिटवीन कल्चर्स एंड बिटवीन लैंग्वेजेस ठीक है जी ये कल्चर और लैंग्वेज में डिफरेंट 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 होते हैं एफिशियंट टर्न टेकिंग आल्सो इवाल्व सर्टेन नॉन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स आई कॉन्टेक्ट बॉडी पोजिशन एंड मूवमेंट गेज इंटोनेशन एंड वॉल्यूम द रिलेटिव स्टेटस ऑफ द रोल ऑफ स्पीकर इसमें आई कॉन्टेक्ट आपको किसी बंदे की आंखों आंखों के साथ आई कांटेक्ट बनाना फिर उसकी बॉडी पोजीशन से उसकी मोमेंट से उसके देखने से उसकी वॉल्यूम से उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से पता चलता है कि किस वक्त कोई बंदा बोलना चाह रहा है किस वक्त उसने बात को एंडिंग की है इन फॉर्मल सिचुएशन द रोल्स कैन गिव पीपल स्पेशल राइट्स क्लियरली इन कन्वर्सेशन वी अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन अनिक्वल पावर इज सस्पेंडेड स्टूडेंट्स फेल साइलेंट वेन द प्रोफेसर स्पीक्स इन द बार एज वेल एज इन द सेमिनार ठीक है जी उसने एक बात दी कन्वर्सेशन प्रिंसिपल्स कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स की जब बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं इसमें ये मैगजीम्स भी बार बार आते हैं किसने दिए कब दिए ये पॉल क्राइस था उसने कॉपरेटिव प्रिंसिपल दिए थे कि जब भी हम कोई बात करते हैं कोई कन्वर्सेशन conversation, हम कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल्स कुछ उसने दिए कि चार बातें होती हैं तो वो कौन सी हैं उनको मैगजीम्स ऑफ कॉपरेटिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है ठीक है तो ये आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू ग्राइस इन नाइनटीन सेवेंटी फाइव वो इंटरप्रेट लैंग्वेज ऑन द एजम्पन दैट इज सेंडर इज़ अ ब फॉर मैक्सिम्स फोर मैक्सिम्स को ओबे करेगा तो फिर एक अच्छी कन्वर्सेशन होगी वी इज्यूम ही और शी इज इंटेंडेड टू बी ट्रू टू बी ब्रीफ बी रेलिवेंट एंड बी क्लियर सबसे पहले कि जो आपसे पूछा गया द मैगज्स ऑफ क्वालिटी इसको कहा जाता है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है कि वट एवर यू आर गोइंग टू से से वट इज़ ट्रू आगे है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी जितना आपसे पूछा गया है आप उतना ही कहें ताकि बी, बी, बी ब्रीफ बी बरीफ वाली बात आगे है जी मैग्जिम्स ऑफ रेलिवेंस इसका मतलब है कि जो पूछा गया है वही बताएं उसी बात से रेलिवेंट रहें आगे है जी बी क्लियर इन द मैक्सिमम ऑफ मैनर कि अपनी बात में एम्बिग्यूटी ना रखें सीधी सीधी बात करें तो ये फोर मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरूर याद रखिएगा कंबाइंड विद द जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड द रिसीवर कैन रीजन फ्रॉम द लिटरल सिमेंटिक्स मीनिंग ऑफ वट इज सेट टू द प्रगमेटिक मीनिंग एंड इंड्यूस द सेंडर इज इंटेंडेड टू डू सो फॉर एग्जाम्पल आई हियर माई नेबर शेंग इज अ कैट स्टक अंडर द गेट एट नंबर सेवन द अब ऑफ हैज हैज फोर मैक्सिम्स वी हैव नो डाउट अबाउट ट्रुथफुलनेस पीपल डू नॉट कॉन्शियसली and explicitly formulate the cooperative principles. Cooperative principles does not fit in all situations. For example, did you like algeria The question may be relevant, but it does not have all four maxims. So, example उसने बात की है कि जो cooperative principle है उसमें जब भी मतलब उसके मुताबिक क्या है कि जब आप बात करें तो उसमें ये चार चीजें होनी चाहिए। अपनी बात में true रहें, brief रहें, relevant रहें और clear रहें। तो ये उसने सारी उसके बारे में ही बताया फ्लोटिंग द कापरेटिव प्रिंसिपल फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको, आप उसको अब कॉपरेटिव प्रिंसिपल को आप ब्रेक कर रहे हैं उसको रूल को ब्रेक करें आई हैव गॉट मिलियंस ऑफ बुक्स इन माई कॉलेज लाइब्रेरी और माई कार ब्रेक्स डाउन एवरी फाइव मिनट्स नीदर इज़ ट्रू दे आर परसिव्ड एज फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपर वॉल एंड अ वे ऑफ मेकिंग द पॉइंट मोर फोर्सफुल फोर्सफुलर दैन इट दीज आर डेलिड वायोलेशन ऑफ फ्लॉटिंग एज क्राइज कॉल सम ऑफ कॉपरेटिव प्रिंसिपल ठीक है जी मतलब उसने कहा कि आई हैव गॉट मिलियंस ऑफ बुक्स इन माई कॉलेज लाइब्रेरी ठीक है और माई कार ब्रेक्स डाउंस एवरी फाइव मिनट ठीक है तो ये दोनों ही सच्ची बातें नहीं है एक सिंपल सी बात करके मिलियंस ऑफ बुक्स ठीक है और फिर हर पाँच मिनट के बाद ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि इसमें क्या चीज़ें हैं ये क्या कर रहे हैं कॉपरेटिव प्रिंसिपल को वायोलेट कर रही हैं ये बातें ठीक है जी आगे है जनाब क्वीन विक्टोरिया वोज मेड ऑफ़ आयर एन आई लव एंड यू सींग आउट ऑफ द की ऑल द टाइम दिन डेट दे विल इंटरप्रेटेड डेलीब्रेट अच्छा ये सारी बातें अब uh, उसने बात की है सारी इसी के बारे में जो कॉपरेटिव प्रिंसिपल है उसकी फ्लोटिंग के बारे में ठीक है जी कि किस किस सिचुएशन में आप उसको तो आ, उसको आप कर रहे होते हैं लाइक क्वालिटी मैक्सिमम अदर देन थ्री आल्सो भी फ्लॉटेड मैक्सिम क्वान्टिटी मैक्सिमम क्रिएटिंग प्रॉक्सिलिटी ये सारे उसने उसी के बारे में बताया है अच्छा जी कन्वर्सेशन प्रिंसिपल आगे प्लाटेंस की बात करते हैं कि एक्सक्यूज़ मी आई यू बिजी नो नॉट एट ऑल आई वॉन्टेड इफ आई कुड हैव आई कुड हैव अ वर्ड विथ यू ठीक है जी पोलाइटनेस प्रिंसिपल क्या है लाइक कॉपरेटिव प्रिंसिपल में भी फॉर्मारेटेड एज अ सीरीज ऑफ मैक्सिमम विच पीपल एज्यूम्स आर बीइंग फॉलोड इन द दफ्रेंस ऑफ अदर एनी फ्रॉडिंग ऑफ दीज मैगजम विल टेक ऑन मीनिंग प्रोवाइडेड इट प्रोसी फॉर वट इट इज़ रॉबन लैक ऑफ फार्मूलेटेड द फॉलोइंग मैगजिम्स अब जो पहले चार मैगजिम्स थे वो क्या थे वो कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स के मैजमसिम थे अब जो कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स जो कन्वर्सेशनल प्रिंसिपल पोलाइटनेस के हैं उसके तीन जो हैं वो Uh, अपने उसने फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग मैक्सिमम अब उसने इसके तीन मैगज्स दिए हैं सबसे पहले जब आप पोलाइटनेस अपनी बात में नरमी रखना चाहते हैं तो सबसे जो पहली बात है वो क्या है कि डोंट इम्पॉस किसी के ऊपर अपनी बात को थोपना नहीं है फोर्स नहीं करना ऑलवेज बी uh, वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी बात में जिद नहीं बना लेनी कि ऐसा ही होना है ठीक है गिव ऑप्शन अगले बंदे को ऑप्शन दे कुड यू प्लीज पास मी दैट पेपर ठीक है Make your receivers feels good. Alfaz ka aisa ki aapko sunne banda feel good. ki have asked me banda you feel. These maxims expl explains many of those utterances with no new information. I'm sorry, I saw you were home. In English, requests are, please, are made in the form of elaborate questions. Could you possibly? May I ask you? I'm sorry to bother you. You know much more about cars than I do. Clearly, the cooperative and politeness principles are in conflict with each other's, whereas, politeness and पलाइटनेस एंड ट्रूथ आर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल विध इच अदर हाओ इज़ माई न्यू हेयर स्टाइल दीज कन्फ्लिक्ट डिमांड्स ऑफ ट्रू प्रिंसिपल आर समथिंग विच पीपल आर अवेयर ऑफ फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइट लाए ठीक है वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है क्योंकि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है हमें कह रहे हैं कि जो बात पूछी गई है उसी के ऊपर है सीधी सीधी बात करें लेकिन प्लाइटनेस ये हमें कह रही है कि अपनी बात को अपने अल्फ़ को कुछ मक्खन शक्न लगा के पेश करें ताकि आगे वाले बंदे को अच्छा महसूस हो उस पे उसे यह भी ना लगे कि ये मेरे सब ऊपर अपना फैसला थोप रहा है तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन आई होप सो कि अगर आपको अच्छे से समझ आ गया होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग